हेलो गाइज, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइज़, आज हम बात करने वाले एम ट्रांसफ़र के ऊपर लेके, ठीक है। सो गाइज़, जो भी सबसे पहले इस वीडियो को देख रहा है यार, प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद गाइज़ आपका थोड़ा बहुत एम फास्ट हो जाने वाला है, ठीक है। अभी जैसे देखो, आप पे दो तीन बंदे रश कर देते हैं, तो आप क्या करते हो भाई, उनको खड़े होकर मारने लगते हो या फिर एक ही जगह पर मारने लगते हो। अभी सपोज़ करो यहाँ पे दो बंदे हैं, ठीक है, या मैंने दो जगह अभी जूम किया, तो यहाँ पे मान के चलो दो एनिमीज़ हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं भाई, ऐसे चलते 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 मारते हैं, ठीक है। तो ये भाई अच्छे बंदों के सामने काम नहीं आता, जो नूबड़े बंदे होते हैं जो कि रिएक्शन ही नहीं देते बिल्कुल भी, उनके सामने ये चीज़ें काम आ जाती है। लेकिन अभी यार ये मिस्टेक करना छोड़ो, क्योंकि इससे भाई कुछ नहीं होने वाला। आप चलते चलते मार रहे हो तो ये वाला कुछ नहीं होने वाला। अभी देखो मैं कैसे मार रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो जो पहला बंदा होगा, जैसे देखो मैं अभी मशीन गन मेरे हाथ में है, तो पहले बंदे को ऐसे मैं झुक के मारूंगा और दूसरे बंदे को मैं ऐसे स्कोप खोल के मारूंगा एकदम से, ठीक है। तो आप इस टाइप से अगर मारोगे तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप चलते चलते ऐसे मारते जाओगे। अगर आप चलते चलते भी मारना चाहते हो तो थोड़ा सा आप क्राउच करो और हिलते रहो, ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ के लगे रहे हो, तो ऐसे नहीं मारना है आपको। चलते चलते मारना है, क्राउच करो और उसके बाद एक बंदे पे बिना स्कोप से मारो आयरन साइड से, और दूसरे बंदे पे भाई ऐसे स्कोप खोल के मारो। तो आपका थोड़ा बहुत इस टाइप से आप अगर आप प्रैक्टिस करते हो ट्रेनिंग रूम में रोज़ आधा एक घंटा, तो आपका बहुत अच्छा एम फास्ट होने वाला है। मतलब आप अच्छे से एनिमी को स्पॉट कर लोगे और आपका रिएक्शन टाइम भी इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। सो गाइज़, ये सिचुएशन थी, ऐसी सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ होती है। अभी सिचुएशन नंबर टू मैं आपको बता देता हूँ। जो सिचुएशन नंबर टू है, जैसे लोगों के साथ बहुत सारी गलत सिचुएशन हो जाती है, जैसे मान के चलो मैं दूसरी साइड में, आप यहाँ पर मैं ये देखो ये मेरे सामने एक एनिमी है, ठीक है। तो इस एनिमी को मैं अभी जैसे मेरी इस एनिमी मेरी तरफ मतलब देख रहा है, इसने मेरे को देख लिया और मेरी इससे फाइट हो रही है, तो अभी इसका जो पार्टनर है वो पीछे से रोटेट मार के आ रहा है, घूम के आ रहा है, आपको पता नहीं है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, आपको बिल्कुल उसके बारे में पता नहीं है। तो आप इसको इस टाइप से मार दोगे और उसके बाद आपको क्या करना है भाई, कुछ लोग होते हैं कि पैनिक हो जाते हैं कि कहाँ पे बंदा इधर वो हिलने लगते हैं, वो नहीं करना आपको। इससे इस टाइप से बैठ जाना है, मतलब बैठ के एक एनिमी को जो आपके सामने उसको मार देना, और उसके बाद आपको लेट जाना है। और लेटने के बाद देख सकते हो, जैसे मैं पहले बैठ गया उसके बाद मैं लेट गया, लेटने के बाद मेरे को दो तीन सेकंड का टाइम मिल गया कि मैं उसको स्पॉट कर सकूं, ठीक है। उतने में अगर वो मेरे पे शूट करता भी है तो वो मैं बैठा हुआ था तो उसकी गोलियां डॉज होकर यहाँ पर मेरे आसपास चली जाएगी, मतलब मेरे ऊपर नहीं लगी क्योंकि मैं तो प्रोन हो गया, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपको प्रोन होकर दोनों बंदों को मारना है, आपको थोड़ा पहले क्राउच करके मारना है और उसके बाद आप प्रोन हो जाना, ताकि वो एनिमी आप समझ ही नहीं सके कि मतलब आप किस टाइप से उसको शूट कर रहे हो, तो वो आपको हल्के में लेके आपसे मर जाएंगे, मतलब अगर आप इन ट्रिक्स को यूज़ करते हो, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को मैं यूज़ करता हूँ जब भी मेरी क्लोज कंबैट में फाइट होती है, तो मैं इन चीज़ों को यूज़ करता हूँ। अभी मैं आपको तीसरी सिचुएशन के बारे में बताता हूँ। तीसरी सिचुएशन है ना जो भाई बहुत बंदों के साथ होती है, जो तीसरी वाली है, ठीक है। तीसरी वाली ऐसे है, जैसे देखो अभी आपके सामने दो बंदे हैं, ये वाला एक बंदा है और ये वाला एक बंदा है, ठीक है। मान के चलो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो आपके सामने दो बंदे हैं, तो दो बंदे आपके सामने सीधा आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एक को अगर सीधा मारोगे तो पीछे एक बंदा आपके मतलब एक एनिमी आपके आगे आ रहा है और उसके पीछे एक और बंदा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो आपको क्राउच कर लेना है, और क्राउच करने के बाद आपको अपना पिक का बटन ऑन करना है और स्कोप खोल लेना है। सबसे पहले आपको एक बंदे को इस टाइप से मारना है, और उसके बाद आपको पहले राइट साइड पिक करना है और उसके बाद आपको लेफ्ट साइड पिक करके मारना है। तो मैंने अभी थोड़ी अपनी सेंसिटिविटी चेंज की है, जिस वजह से अभी मैं ज़्यादा मूवमेंट फास्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस नई सेंसिटिविटी पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैंने थोड़ी बहुत चेंज की है। तो आपको पहले राइट पिक करना है और फिर उसके बाद लेफ्ट पिक करना है और फिर राइट पिक करना है और फिर लेफ्ट पिक करना है, और आपका मतलब अच्छे से एम लग जाएगा और आप मतलब एक बोट तो आराम से फोड़ ही दोगे, मतलब बोट नहीं सॉरी एक एनिमी दो एनिमीज को आराम से इस टाइप से मार दोगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आप राइट साइड पिक कर रहे हो तो आपके राइट साइड पे मारने लगेंगे, तो आप लेफ्ट साइड कर लोगे, तो इससे आपका एम रिएक्शन टाइम दोनों ही फास्ट हो जाएगा और आप इजीली किसी बंदे को पिक करके मार दोगे और वो सोचेगा कर क्या रहा है, राइट लेफ्ट साइड पिक कर रहा है। तो ये थोड़ा स्टाइल होता है, तो स्टाइल के चक्कर में भाई अपना एम मत खराब कर लेना। तो स्टाइल अपनी जगह है और एम अपनी जगह है, तो दोनों को साइड में रख के खेलना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगली वीडियो के लिए मेरे को कमेंट कर देना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर एक वीडियो उस पर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।